मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बनारस की धरती पे अपनी करियर बनाने के लिए आया हुआ था। जब मैंने एग्ज़ाम दिया 12th के बाद MBBS का, एग्ज़ाम क्रैक हुआ, घर में खुशी आई, घर परिवार ने सब ये मान लिया था कि बेटा बड़ा होके अच्छा डॉक्टर बनेगा। मेरी भी करियर बड़ी अच्छी थी, सेट थी, मुझे भी लगा कि अब तो भाई एग्ज़ाम हो ही गया है, पास आउट हो ही गए हैं, अब ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी, अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोग लाइन लगा के पैसे देके जाते हैं बिना बार्गेनिंग किए हुए, है या ना? आपको लोग चटकाते भी होंगे लेकिन डॉक्टरों को कोई नहीं चटकाता। तो चाहे 10 लाख की डिमांड करे, 5 लाख की डिमांड करे या 10 करोड़ की, अगर बोल दिया तो लोग देते हैं, यस या नो? तो मुझे तो बड़े मज़े आने वाले थे, लेकिन फिर भी एक अनजान शख्स के माध्यम से इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला। मेरे दोस्त, पैसा कमाना मेरा शुरू से मकसद नहीं था, क्योंकि मैं अपनी करियर में सेट था और पैसा मैं बहुत कमा सकता था। इस लॉकडाउन में जब सबसे ज़्यादा पैसे किसने कमाए? और ये तो मतलब 10 गुना इनकम बढ़ गई, उससे पहले भी कोई कम इनकम नहीं होती। लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में आया था। मैं आपको दिल से बताऊं, एक सोच थी कि इस इंडस्ट्री में मैं अपने साथ साथ करोड़ों लोगों की तकदीर बदल सकता हूं, ये सोच आई थी। और इस सोच के साथ इस बिजनेस में आया था। और बोलते हैं ना कि सच्ची दिल से बाबा के पास कोई भी गुहार लगाओगे तो बाबा किसी ना किसी रूप में मदद जरूर भेजता है, यस या नो? यस या नो? और ऐसा ही हुआ सन 2016 में SLPS वेलनेस, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर महिपाल सर के माध्यम से, हमारे महागुरु जो यहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने, मैं बोल सकता हूँ कि आज जितने भी लोग इस इंटायर पूर्वांचल के अंदर इस इंडस्ट्री से पैसे कमा रहे या जिनकी लाइफ में बदलाव हुआ है, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर इनके माध्यम से इस धरती पे आया, इस पूर्वांचल की धरती पे इंडस्ट्री आई। 5-10 लोगों ने मिलकर इस बिजनेस को देखा। उसमें कंपनी का टॉप अचीवर 10-12 लाख रुपए कमाया था। कितना? कंपनी के पास मात्र 7 प्रोडक्ट थे। कितने? ओनली 7 प्रोडक्ट थे। टॉप अचीवर 10-12 लाख। आप खुद सोचिए, यकीन करना उस समय मुश्किल था या आज? लेकिन हम लोगों ने यकीन किया, विश्वास किया। सर के साथ बैठ के डिस्कशन हुआ और सर ने बोला कि यार लोगों की करियर के लिए काम करना है, क्योंकि हमने देखा था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों को बर्बाद होते हुए, तो डर तो मेरे अंदर भी था। मैंने देखा था 5 साल 6 साल 7 साल काम करते के बाद भी रोड पे चलते हुए उन हजारों लाखों ड्रीमर लोगों का, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ बड़ा बनने की हिम्मत की थी, उन टूटे हुए चेहरे को हमने देखा था, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके मेहनत करने के बाद भी असफल थे। तो मैंने एक ही आंख बंद करके बाबा विश्वनाथ से एक ही मदद मांगी थी, बाबा कुछ भी हो जाए इतनी हिम्मत देना, उन करोड़ों लोगों के सपने जो मरने वाले हैं, उन सपनों को फिर से SLPS वेलनेस के माध्यम से मैं जिंदा कर सकूं, इतनी ताकत देना। अरे यार, ये तो धरती इतनी प्यारी है, इतनी शानदार धरती है, यहां मुराद मांगने वाले तो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये ब्लैक डायमंड डायमंड क्या चीज है? आया ना? यस या नो? और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। लोग आते गए, कारवा बनता गया, लोग आते गए, कारवा बनता गया। मुझे पता भी नहीं चला इस 5 साल के सफर में 6 लाख से ज्यादा लोगों का साथ हो चुका है। मेरे दोस्त, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। हम लोगों ने जब शुरू किया था, गुरुजी एक बात हमसे हमेशा बोलते थे कि अमित सर कुछ भी हो जाए, लोगों की करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मैं दोस्त आज भी इसी मकसद से काम करता हूं। जब तक अमित दुबे इस धरती पे जिंदा है, SLPS वेलनेस में एक सिंगल इंसान के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। सिंगल इंसान अगर मेहनती है, नकारों की मैं बात नहीं करता, अगर मेहनती है और उसने इस बिजनेस में आके
सपने देखे हैं वो सपने पूरा करने की ताकत और औकात इस इंडस्ट्री में है। हम लोग जान लगा देंगे अपने तरफ से, ये सोच है हमारी, ये विजन है हमारी। लेकिन बोलते हैं ना कि जब किसी को कुछ बताने जाओ आपकी औकात बड़ी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो दुनिया ही ऐसी है सुनता ही नहीं है कोई। आप किसी को बोलने जा भैया आ जाओ 70 करोड़ रुपए कमा सकते हो तो पलट के लोग बोलते तू कितना कमाया, बोलते है नहीं बोलते है? हाँ या ना, मकसद अपना नहीं था कि हम पैसे कमाए, ये तो लोगों की जो औकात पूछने वाली आदत थी ना उसने मजबूर किया पैसा कमा के दिखाने के, उसने मजबूर किया औकात दिखाने के लिए। और दोस्तों मैं अपनी इनकम तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि आपने जब इतने सारे करोड़पति रवि सर बता के गए 4, 4.5 करोड़ की इनकम, जितेंद्र मौर्या जी इधर से बता के गए आपको 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम, इसको सुनने के बाद भी मेरी इनकम जानने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? जरूरत है? जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी मेरे दोस्त लोगों ने बोला था कि पहले तू कमा लेना फिर इन लोगों को कमाना, इसलिए हमने बोला चल कमा के भी दिखाते हैं। 5 साल के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। मैंने 2016 में इस इंडस्ट्री को फुल टाइम जब काम करने का डिसीजन लिया तो मैंने पढ़ाई उस समय लीव कर दिया, मैंने क्विट कर दिया। तो मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे प्रोफेसर, सारे लोगों का फोन आया और सबने बोला कि बेटा तूने जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी, रोड पे आ जाएगा मेरे दोस्त। मैंने बोला देखते हैं क्या होता है, रोड पे तो मैं आया लेकिन जगुआर के साथ आया, ऐसे नहीं आया, ये फर्क आया, ये फर्क हुआ। लोग बोलते थे डॉक्टर बन जाएगा, अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी, दबा के इनकम कमाएगा। मैंने उस समय पूछा था कितना, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, बोला 10 लाख। मेरे दोस्त आज इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं काम करूं या ना करूं कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस महीने 30 लाख से कम की इनकम आती हो मेरे अकाउंट में। मैं कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं कुछ होता तो शायद पहले से ही कुछ बहुत बड़ा कर रहा होता। औकात इस इंडस्ट्री की है, औकात उस प्रोडक्ट की है जो स्लीपियस वेलनेस हमें मुहैया कराती है। आज आप मार्केट में जाते हैं, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मार्केट में देते समय आपकी हलक कभी भी हकलाती नहीं है, आपकी जुबान कभी भी हिलती नहीं है, आपके हाथ कभी थरथराते नहीं होंगे। यस या नो? यस या नो? क्योंकि हमें पता है सामने वाला पैसा कमाए या ना कमाए आशीर्वाद जरूर देके जाता है। ये पावर है स्लीपियस वेलनेस की। हो रहा है नहीं हो रहा है? यस या नो? मैं कई बार सोचता हूं कि हिंदुस्तान में इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही है, इतनी सारी, लेकिन लोग असफल क्यों हो रही है? एक ही जवाब है, कंपनियां बहुत है लेकिन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार तो एक ही पैदा हुआ है, इसलिए स्लीपियस वेलनेस में दम है। पहले सोचते थे थोड़े पैसे आ जाए तो अपनी जिंदगी भी हसीन हो जाए, ये सारे लोग ऐसी सोचते हैं शुरू शुरू में। यस या नो? आया ना? आज भी सोच ऐसी है कुछ और आ जाए, लेकिन पता है सोच क्या है? सोच ये है कि एक नया डायमंड कब आ जाए, एक नया डायमंड कब आ जाए। और ऐसा हो रहा है, पिछले एक वीक के अंदर 2 डायमंड और 2 ब्लू डायमंड, 4 लोग करोड़पति बने हुए हैं, ये ताकत है मेरे दोस्त। 5 साल के सफर में 32 करोड़पति खड़े हुए हैं इस पूर्वांचल की धरती से। कितने? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। ये है छोटी सी शुरुआत, आज ये छोटी सी शुरुआत है मेरे दोस्त, सफर तो अभी बाकी है। अभी तक तो लोगों को भरोसा दिला रहे थे हम भी कुछ हैं, लेकिन क्या अब भरोसा दिलाने की जरूरत है क्या? सफर बन चुका है, रास्ते बन चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना उस सफर पे, केवल लगातार अपने आप को चलाना है। लेकिन सबसे मुश्किल की बात यह है, एक डर आ रहा होगा आप लोगों के अंदर, सबकी बात तो सही है, सबकी बात तो मान लूं, लेकिन ये लोग बढ़ गए, क्या पता मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। जितने भी लोग बैठे हैं सबके अंदर डर,
और ये पता है डर क्यों है? आप सब 4-5 घंटे से प्रोग्राम देख रहे हैं लगातार, अंदर से ये लग भी रहा होगा यार शायद मेरी जिंदगी इन लोगों की जैसी हो जाए, लग रहा है? नहीं बोल, लग रहा है? दिल पे हाथ रख के बोलो, लग रहा है? झूठ मत बोलो, लग रहा है? यस, सबको लग रहा है। लेकिन यहां से बाहर निकलते एक डर तुरंत आ जाएगा, इनकी किस्मत अच्छी थी ये लोग बन गए, पता नहीं मेरे से काम होगा कि नहीं होगा, 100% पक्का आएगा, पक्का आएगा। यहां से निकलते ही यही कमी है, और ये कमी इसलिए है क्योंकि भगवान ने पिछले जन्म में हमने गलत कर्म किए थे, इसलिए हमारा पैदाइश, हम जिस घर में पैदा हुए वो बहुत छोटा परिवार था। तो जब हम पैदा हुए उसी समय से ये डर हमारे अंदर डाल दिया गया,